थोड़ी देर में तट से टकराकर तूफान बंगाल और उड़ीसा में तेज हवाओं के साथ बारिश। कर्नाटक भुगतान के लिए मरीजों के शवों को रोकने वाले अस्पताल का लाइसेंस रद्द होगा। आपूर्ति लड़खड़ाई, प्रति 10 लाख में महज 998 को टीका, सक्रिय मामलों में कमी। ओडिशा में धामरा बंदरगाह से आज टकराएगा यास, 10 लाख से अधिक को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। फाइजर इस मामले में कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ खुराक देने को तैयार, लेकिन नियमों में चाहती है छूट। मेहुल चौकसी एंटीगुआ में लापता, भारत में प्रत्यर्पण के डर से क्यूबा भागने की अटकलें। क्रिकेट सट्टेबाज ने परमवीर सिंह पर गिरफ्तारी से बचाने के लिए 10 करोड़ मांगने का लगाया आरोप। फोन टैपिंग मामला, मुंबई पुलिस ने IPS अधिकारी रश्मि शुक्ला का बयान किया दर्ज। 6 महीने वाले नियम के कारण CBI निदेशक की रेस से बाहर हुए अस्थाना मोदी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने की अवकाशकालीन पीठ की संख्या बढ़ाने की अपील। कोविड महामारी, भारत से आने वाले लोगों के लिए क्वारंटीन अवधि बढ़ाएगा जापान। ब्रिटेन में PM बोरिस जॉनसन ने इस्लाम पर की पुरानी टिप्पणियों के लिए मांगी माफी। पाकिस्तान में कराची में पुलिस और नौसैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प। निगरानी, भूकंप हो या बाढ़, धरती के हर बदलाव पर मिलकर नजर रखेंगे नासा इसरो। ब्रिटेन में भारतवंशी युवा सांसद नादिया ने मानसिक कारणों से संसदीय कार्यों से दूरी बनाई। अमेरिका में टीका लगवाने वाले बच्चों में हृदय संबंधी तकलीफ, CDC ने शुरू की जांच। और अब रुक करते हैं बिहार के तमाम खास खबरों की ओर। बिहार के JDU विधायक के गांव में टीका देने गई टीम को ग्रामीणों ने भगाया, कहा टीका लगवाने से बीमार पड़ रहे लोग। नीतीश सरकार का ऐलान, संविदा कर्मियों को लॉकडाउन का भी वेतन, डॉक्टर से लेकर चपरासी तक का मानदेय बढ़ा। CM नीतीश का निर्देश, पश्चिम बंगाल से आने वाले सभी यात्रियों की कोरोना जांच अवश्य करें। बिहार में बड़ा हादसा, पंजाब से आ रही मिनी बस की ट्रक से भिड़ंत, 2 की मौत, 13 घायल। शादी में गई महिला से गैंगरेप, अर्धनग्न कर बिजली के खंभे से लटकाया। बिहार में ब्लैक फंगस का कहर, 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत। बिहार में हैवानियत, गैंगरेप के बाद नंगा कर बिजली के पोल से लटकाया समस्तीपुर के विभूतिपुर का मामला। बिहार में JDU विधायक के गांव में टीका देने गई टीम पर ग्रामीणों ने भगाया, कहा टीका लगवाने से लोग पड़े हैं बीमार।